नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एशियन 24 न्यूज में। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ शासन की मंशा के अनुरूप ग्रामीण इलाकों में गौठान के माध्यम से गोधन योजना के तहत वर्मी कंपोस्ट निर्माण कर महिला समूह हो रहे आत्मनिर्भर, सरकार की कर रहे भूरी भूरी प्रशंसा। छत्तीसगढ़ शासन की मंशा के अनुरूप ग्रामीण इलाकों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से गौधन न्याय योजना के तहत गौठान का निर्माण कर महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। महिलाएं इससे वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर अपनी आय बढ़ा रहे हैं और शासन की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। सरायपाली जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत तर्राफेल अंतर्गत आने वाले परेवा पाली में संचालित गौठान में महिला समूह को रोजगार मिल रहा है और उनकी आय में बढ़ोतरी हो रही है। महिला समूह के सदस्य नियमित रूप से गौठान में वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर और उसे बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। शासन की मंशा के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार से जोड़ने का अवसर गौठानों के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। राफेल पंचायत के महिला समूह के 10 सदस्य रोजाना गौठान में ही कार्य कर रहे हैं और वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा के अनुरूप इससे जहां महिलाओं को आत्मनिर्भर होने का मौका मिल रहा है, वहीं रोजगार के साधन भी मुहैया हो रहा है, जिससे उन्हें रोजगार के लिए अन्यत्र भटकने की नौबत नहीं आ रही है। गौठान में कार्यरत महिलाओं से जब चर्चा की गई, तब मूलतः उड़िया भाषा में इन महिलाओं ने बताया कि उन्हें अच्छी आय हो रही है और वह शासन की इस योजनाओं से काफी संतुष्ट हैं। महासमुंद से किशोर कर की रिपोर्ट, एशियन 24।